हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 10, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और इसमें हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट 4 चैनल होम ऑटोमेशन। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो इंटरेस्टिंग वाली बात है वो ये है कि हमने इसमें रिले नहीं यूज़ किया, इसमें हमने SSR यूज़ किया है, जो कि हम पहले के लेक्चर्स में देखे थे। तो आज की इसी वीडियो में हम उस SSR यूज़ करके इस होम ऑटोमेशन को बनाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगर आप पिछले 9 वीडियोज़ को आपने फॉलो किया है तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सिखाया हूँ, कुछ नए टूल्स को भी आपको बताया हूँ। ये वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद आप बिगिनर या फिर आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक की PCB डिजाइनिंग कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। पे क्लिक करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ होम ऑटोमेशन V2। ओके, ये हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी होम ऑटोमेशन पे प्रोजेक्ट बना रखा है, तो और नाउ मैं इसका V2 नाम रख रहा हूँ। आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले के प्रोजेक्ट्स में नाम रखा है। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद इस विंडो पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सभी कंपोनेंट को हम 1 बाय 1 यहाँ पे सर्च करके लाएंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी पे हमें क्लिक करना है एंड ऑलरेडी मैंने ये सर्च कर रखा है, विच इज रियली गुड थिंग। तो आपको सर्च करना है NodeMCU 8266 12E Amica V2। ओके, तो यहाँ पे ये भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इस पर मैं डबल क्लिक कर लूँगा। ठीक है, एंड इसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर लूँगा। ऑलराइट, देन उसके बाद मैं एस्केप दबाऊँगा और यहाँ पे हमें 4 पुश बटन चाहिए। ऑलराइट, फॉर दैट सेक मैं यहाँ से पुश बटन सर्च कर लूँगा, पुश बटन। ठीक है, पुश बटन हम जो यूज़ करने वाले हैं वो 6 mm वाली होगी। ठीक है, ये पुश बटन ही चाहिए हमें, बट हमें चाहिए TST थ्रू होल कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो थ्रू होल वाला बटन यहाँ पे है, तो हम ले लेंगे। हमें 4 बटन चाहिए, 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, उसके बाद दोस्तों हमने प्रोजेक्ट नंबर 5 में सॉलिड स्टेट रिले बनाया था, तो आज हम क्या करेंगे उसी सॉलिड स्टेट रिले का यूज़ करेंगे जो हम ऑटोमेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट रिले वाला जो प्रोजेक्ट का वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं सॉलिड स्टेट रिले का स्कीमेटिक ओपन करने वाला हूं एंड उसी स्कीमेटिक को मैं यहां पे यूटिलाइज़ करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 1 बाय 1 करने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। तो कॉपी करने के लिए मैं इसको पहले क्या करता हूँ, सभी को एट अ टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और जैसे ये रेड हो जाएगा आपको Ctrl+C दबाना है एंड देन हम होम ऑटोमेशन में आएंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V जैसे ही करेंगे यहाँ पे मुझे 4 डिवाइसेस एट अ टाइम करना है, तो फॉर दैट सेक मैं यहाँ से 4 बार इसे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+V। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट रिले भी आ गया है। देन उसके बाद हम सभी डिवाइसेस को पावर अप करने के लिए एक पावर सप्लाई का यूज़ करने वाले हैं, जो कि है हाई लिंक का पावर सप्लाई। अब बेसिकली हाई लिंक पावर सप्लाई यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि वो बहुत ही कम साइज़ में जगह को कंज्यूम करता है, और हमें जितना पावर की रिक्वायरमेंट होती है, आप लाइक जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट 12 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, 10K 5M 05। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे है हमारा जो 1 एम्पियर का सप्लाई है वो मिल जाएगा। तो देन इसे हम डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें कुछ स्क्रू टर्मिनल लेना है। स्क्रू टर्मिनल के लिए कई सारे स्क्रू टर्मिनल यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एट अ टाइम यहाँ से 6 स्क्रू टर्मिनल ले लूँगा, जिसमें 6 स्क्रूज एट अ टाइम हम लगा सकें, ताकि एक ही बार में सारा कनेक्शन हो जाए, हमें बार बार कनेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फॉर देट से हमें फिर से लाइब्रेरी में आना है। ठीक है, लाइब्रेरी में आने के बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे
6 स्क्रू टर्मिनल। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें 6 स्क्रू टर्मिनल मिल गया है, ठीक है। तो इसे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम अपनी पीसीबी को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम तो फटाफट से अरेंज कर लेते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अरेंजमेंट वगैरह सारा कुछ कर लिया है और आज की इस वीडियो में हमने एक नए टूल को एक्सप्लोर किया है विच इज़ नेट लेवल। अब ये नेट लेवल क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ GPIOs को बाहर वायर निकाला है और उस पर उसका कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो HD3 पे मैंने क्या लगाया, स्विच 1, और D1 पे मैंने क्या कनेक्ट किया है, SSR1, और D2 पे SSR2। अब ये कनेक्शंस मुझे ये अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं मैन्युअली इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर सकता था, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है कि जो आपका स्कीमेटिक होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी दिखने लगता है, तो जिसे हम करना नहीं चाहते। तो इसके लिए आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नेट लेवल। तो अब नेट लेवल क्या करता है कि आप यहाँ पे जो भी नाम डिफाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम स्विच 1 को कंसीडर करें तो यहाँ पे स्विच 1 मेरा जो है वो HD3 से कनेक्ट है और स्विच नंबर 1 मेरा यहाँ पे है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पे स्विच नंबर 1 है वो इससे कनेक्ट हो जाए, क्या हो, मेरा जो स्विच नंबर 1 जो HD3 पे कनेक्ट है वो इससे कनेक्ट हो जाए। मैं चाहूँ तो वायर टूल का यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बना सकता हूँ, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी PCB कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतना ज़्यादा वहाँ पे फिर आपकी PCB समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके लिए नेट लेवल टूल का यूज़ किया जाता है। अगर अब मैं यहाँ पे नेट लेवल टूल का यूज़ करता हूँ तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, जस्ट उस वायर टूल पे आपको वहाँ पे नाम जाके जस्ट वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे इसका नाम चेंज कर देना है, तो मैंने वहाँ पे क्या रखा है, स्विच 1, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, स्विच 1। अब ये स्विच 1 मैं जैसे ही लिखता हूँ विच मीन्स कि मेरा ये जो कनेक्शन है वो वहाँ पे हुआ है। तो लाइकवाइज हम दूसरे स्विचेस के लिए भी कर लेंगे, ठीक है, स्विच 2, देन स्विच 3, एंड देन स्विच 4। ऑलराइट, तो अब ये जो मेरा स्विच का कनेक्शन है वो हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, नेट लेवल टूल, ठीक है। अब लाइकवाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो सॉलिड स्टेट रिले है उसे भी मैं कनेक्ट कर लूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, SSR1, SSR2, SSR3 एंड SSR4। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से SSR को भी मैं यहाँ से ज़रूर से लगा लूँगा, ठीक है। देन इसको डबल क्लिक करके इसे हम चेंज कर लेंगे, इसको मैं कर दूंगा SSR1, SSR2, SSR3 एंड SSR4। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इस चीज को कर लिया हमने कंप्लीट। तो अभी मेरे माइक्रो कंट्रोलर से ये सभी GPIOs से ये बाहर के जो कंपोनेंट्स है वो लगे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मेक श्योर करके कि जो भी GPIOs हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम नो कनेक्शन फ्लैग लगा दें, तो उसको आप ज़रूर से नो कनेक्शन फ्लैग को लगा दें जिसे आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने गलत जगह पे इसे प्लेस किया तो वार्निंग आने लगी, ठीक है। तो मेक श्योर करके इसे देख के लगाएं आप। ओके, देन हमें स्विचेस पे लगाना है।
ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने जो नेट लेवल कनेक्ट करना था वो भी हो चुका है। अब बेसिकली हमें सारे लोड्स को कनेक्ट करना है, फेज एंड न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक लिया हूँ, तो टर्मिनल ब्लॉक का मैं यहाँ पे यूसेज करूँगा। और इसके लिए भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ नेट लेवल का। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया, वायर टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की W प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड वायर आपको यहाँ पे लाके एंड करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे सभी टर्मिनल्स के लिए ले लेंगे। यहाँ पे हमें टोटल 6 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6 कनेक्शन के लिए हम बना लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेट लेवल ले लूँगा, और उसके बाद सबके मैं नाम चेंज कर दूँगा। तो फिलहाल पहले मैं यहाँ से मैं नेट ले लेता हूँ 6 नेट्स, ओके 6 नेट लेवल हमने ले लिया है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले फेज़ का, तो फेज़ के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल पी लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल पी। देन न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पे एन ले लूँगा, कैपिटल एन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे लोड वन, लोड वन के लिए एल वन, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ से एल टू ले लूँगा फॉर लोड टू, एंड लाइक वाइज फिर मैं यहाँ पे लोड थ्री ले लूँगा, ठीक है, एंड लोड फोर के लिए एल फोर, ऑल राइट। तो यहाँ से हमने ये सभी लोड्स के कनेक्शन को कर लिया है। अब मेक श्योर करके हमारा जो ये SSR के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इसे बनाया सिखा दिया था, बट स्टिल अगर आप भूल गए हैं या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज़ जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वन बाय वन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, नेट लेवल ले लूँगा, एंड अब मैं यहाँ पे सभी नेट्स का लगा दूँगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रायक है, या फिर हमारा जो पहला सॉलिड स्टेट रिलेस का जो ये वायर है, इसे हम कनेक्ट करेंगे फेज के साथ। तो फॉर दैट सेक मैं यहाँ पे पी लिख दूंगा, और ये हमारा कनेक्ट होगा यहाँ पे लोड वन, तो इसके लिए हम एल वन कर देंगे, ठीक है। लाइक वाइज यहाँ पे पी करना है, देन उसके बाद नीचे हम क्या कर देंगे, एल टू कर देंगे, ये हमारा लोड टू है। देन नीचे यहाँ पे हम पी करेंगे, एंड नीचे हम कर देंगे एल थ्री, यहाँ हमारा लोड थ्री कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे पी, ऑल राइट। उसके बाद हमारा ये है लोड फोर, तो फॉर दैट से यहाँ पे हम राइट करेंगे एल फोर, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद अब पावर सप्लाई का दो वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, नेट लेवल का यूज़ करेंगे, और आर प्रेस करके मैं इसको रोटेट कर लूँगा, और ये तो यहाँ पे हमारा होता है ये कंप्लीट। इसको हम क्या कर देंगे, एल पी लिख देंगे, पी फॉर फेज, एंड यहाँ पे हम कर देंगे एन, एन फॉर न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फेज एंड न्यूट्रल के साथ ये कनेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि सभी लोड्स का जो कॉमन है वो क्या कनेक्टेड है, कॉमनली फेज, ठीक है। तो सबका जो फेज है वो कॉमन कनेक्टेड है, एंड न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जो स्विचिंग है वो फेज के बीच में ही होगी, लोड का जो जो भी लोड होगा वो फेज को ही स्विचिंग कराएगा। तो हमारी जो स्कीमेटिक है वो हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर साथ में आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, इसे हमें कर लेना है सेव। सेव करने के बाद इसे हम कनेक्ट कन्वर्ट करेंगे पीसीबी में। ये हमें कह रहा है कि कुछ नट्स आपके बचे रह गए हैं, क्या आप उसे कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई नेट बचा रह गया है क्या। ऑलराइट, तो यहाँ पे D8 जो है वो उसमें हमने नेट नहीं, नो कनेक्शन फ्लैग नहीं लगाया है, एंड कुछ ग्राउंड में भी हमने ग्राउंड नहीं लगाया। फॉर दैट सेक मैं यहाँ से ग्राउंड ले लूँगा, ठीक है, ग्राउंड का टूल ले लूँगा, जिससे और हम ग्राउंड को, सभी ग्राउंड्स को आपस में हम कनेक्ट ज़रूर कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी कहीं नहीं बचा है, ठीक है। वायर के लिए W लेना है, एंड देन हिट
ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फिर हम करेंगे कंट्रोल प्लस एस एंड अब हम करेंगे ओके। इसके लिए हमें कह रहा है कि कुछ नेट्स अधूरे रह गए हैं, तो एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं, बिकॉज अनटिल अनलेस आपके अगर कोई नेट रह जाते हैं तो वो आपकी पीसीबी डिज़ाइन में प्रॉब्लम दे सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही मेक श्योर करना है कि आपके सारे कनेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हों। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे 25 का ग्राउंड है वो बचा रह गया है, तो इसे भी हम यहाँ पे ग्राउंड का यहाँ पे हम ग्राउंड का क्या लगा देंगे सिंबल। वायर टूल के लिए आपको W प्रेस करना है, ठीक है, तो ऑलराइट, तो जैसे ही हमने सारे चीज किया ये परफेक्टली आ चुका है। और बोर्ड आउटलाइन पूछ रहा है, तो बोर्ड आउटलाइन हम चाहते हैं राउंड रेक्टेंगुलर एंड रेडियस जो चाहते हैं वो हम चाहते हैं यहाँ पे 5 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 4 mm का हम रेडियस, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे सभी कंपोनेंट्स जो है वो आ चुके हैं, इसे हम कर लेंगे अरेंज और उसके बाद फिर हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे अपने लेआउट को। ऑलराइट, तो गाइज हमने यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स को अरेंज कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों राउटिंग स्टार्ट करेंगे। राउटिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस खाली बच गया है, इसके लिए हम यहाँ से जो ये बॉर्डर है इसे हम डिलीट करेंगे एंड हम यहाँ पे नया बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है, तो पहले इसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो पीसीबी की लेंथ एंड ब्रेथ हमें कितनी रखनी चाहिए, तो उसके लिए हम मेजरमेंट टूल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट, तो 73 mm हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, एंड ब्रेथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो ब्रेथ है वो हम लेंगे यहाँ पे 74 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेथ होगा वो होगा 74। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पता चल चुकी है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली हमें टूल्स पे जाना है, ठीक है, हमें टूल्स पे जाना है, देन उसके बाद सेट बोर्ड आउटलाइन, ठीक है, तो 74x74 हम यहाँ से रखेंगे, तो हमारी जो ब्रेथ होगी वो होगी 74 एंड हाइट जो होगी वो भी कितनी क्या होगी 74 एंड रेडियस हम रखेंगे इसका 4 एज इट इज जैसे हमने पहले रखा और राउंड रेक्टेंगुलर देन अप्लाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स अंदर बाहर हो गए, तो इसे हम अरेंज कर लेंगे एक बार फिर से, और इस बार अरेंज करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम
सभी कंपोनेंट को एट अ टाइम अरेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें अरेंज करना है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को रख सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है। अब जाके हमारे पास जो इनफ साइज हमें जो पीसीबी की चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। ऑल्दो अभी के लिए तो सारे कंपोनेंट्स मुझे सही लग रहे हैं, तो इसका हम लेआउट बनाना शुरू करेंगे। लेआउट बनाना है वो हो चुका है कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमारी एसी सिग्नल्स है, थोड़ा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेआउट लग रहा है, बट आप इसमें थोड़ा सा समय देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। और मेक श्योर करना है कि जब भी आप एसी के ट्रैक्स बनाएं तो उसकी विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा रखें, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो हमारा सारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा लेआउट बचा है वो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड का। तो जैसा कि हम इसमें क्या करने वाले, इसमें हम कॉपर एरिया टूल का यूज़ करेंगे। फॉर दैट सेक हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राउंड के जो नेट्स है उसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ग्राउंड नेट्स कर रहे हैं कनेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे स्क्रूज के लिए होल्स लगा दूंगा ऑलराइट, ताकि हम इसको पीसीबी को कहीं पे माउंट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चार स्क्रू ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रू लगाने के लिए हम यहाँ से होल वाले आइकन पे जाएंगे एंड ठीक है, हम यहाँ पे इसे प्रेस करते हैं और ऑलराइट स्किप प्रेस करना है। देन इसकी प्रॉपर्टीज में से जाके इसका थोड़ा सा डायमीटर वगैरह हम चेंज कर देंगे। तो इसमें जो होल है वो नियर अबाउट 2 mm का है अप्रोक्सीमेटली, तो इसे हम 2 से 3 कर देंगे ऑलराइट। तो 3 करने के बाद ये कुछ ऐसा बैठ जाएगा, ठीक है। इसी होल को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होल्स भी माउंट कर लिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत बारी कॉपर टूल एरिया का यूज किया है, बट आज थोड़ा सा मैं आपको दूसरे प्रकार से बताऊंगा कि आप कैसे कॉपर एरिया टूल को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे एसी के सिग्नल्स है, लाइक यहाँ पे हमारे फेज और न्यूट्रल के जो सिग्नल्स है, वहाँ पे हम कॉपर एरिया टूल को थोड़ा सा सावधानी के साथ यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम कॉपर एरिया टूल जो लेंगे वो यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, हमारा जो भी कॉपर एरिया टूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राउंडिंग की जरूरत है वो इसी तरफ है, ठीक है। एसी में कोई ग्राउंड है नहीं, वहां पे फेज और न्यूट्रल है, या फिर लाइव और न्यूट्रल भी आप कह सकते हैं। तो कॉपर एरिया टूल पे हम जाएंगे, नेट ग्राउंड रखना है और यहां से हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर फिर से आपको रिपीट करना है। ऑलराइट, तो टॉप लेयर में हो गया, सेम चीज को हम बॉटम लेयर में रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया हूँ कि ये जो ग्राउंड कॉपर एरिया टूल को हम क्यों करते हैं,
तो इसके कई सारे बेनिफिट्स है। एक तो आप के जो कंपोनेंट्स जब हीट होते हैं तो ये जो कॉपर एरिया होता है या फिर कॉपर फिल एरिया जो होता है ये हेल्प करता है किस लिए, हीट डिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारी पीसीबी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारा जो ट्रैक्स है वो सिग्नल को छोड़ के सारा ग्राउंड यहाँ पे हमारा जो है वो कॉमन हो चुका है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारी एसी की सिग्नल्स है तो उसे हम नहीं छेड़ने वाले, ठीक है, तो उसे हम एज इट इज ही रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए क्या करूँगा, इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर लेंगे जैसे कि हम पहले यूज़ करते थे। तो टॉप सिल्क लेयर में मैं कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ तो मैं वो लिख लूँगा। टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं ड्रैग कर लेता हूँ, देन इसके और इसे डबल क्लिक करके हम एडिट कर लेंगे। ओके, एंड इसमें आप अपने अगर आप इसमें कुछ लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो ज़रूर से लगा सकते हैं। तो इस इमेज वाले टूल पे आपको क्लिक करना है, देन सिलेक्ट एन इमेज फाइल। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपनी इमेज फाइल को। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आपको जो भी लोगो लगाना है आप उसमें आ सकते हैं और उस लोगो को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगो आ चुका है और इसका जो साइज़ है वो मैं रखूँगा 15, ओके 15, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए जस्ट इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप हाइट और इसकी जो विड्थ है तो इसे मैं कर लूँगा 10, इसे कर लूँगा मैं 10 एंड इसे मैं कर लूँगा 20, ठीक है। तो अभी ये जो इसका साइज़ है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो चुका है और इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बॉटम सिल्क लेयर में ये लोगो आ चुका है, ओके। उसके बाद अगर मैं अभी इसे 3D व्यू में देखूं, 3D व्यू करने से पहले मैं इसे कर लूँगा सेव, कंट्रोल प्लस एस, ये यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसे 3D व्यू करूँ ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है या फिर हमारी जो कंप्लीट सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। दोस्तों आप इस पीसीबी का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बोर्ड कलर पे जाके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीसीबी को रेड कलर कर दूँ, ठीक है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है यहाँ पे हमारी पीसीबी, तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये पीसीबी हमें दिखेगी। और अगर मैं बैक साइड इसका करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कॉपर एरिया टूल का यूज़ किया था यहाँ पे देखो एसी के जो सिग्नल्स है एसी सिग्नल्स की तरफ हमारी जो ग्राउंड का कॉपर लेयर है वो नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से कॉपर एरिया टूल काम करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने जहाँ प्लेस की है वैसा ही आपको टिक टॉक डिज़ाइन करना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्बा खैर।